दोस्तों आज आप लोगों को दिखाते हैं जगदीशपुर से अयोध्या के लिए बन रहा है स्पेशल 4 लेन हाईवे। तो अभी हम जगदीशपुर से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हनुमानगंज चौराहा से आगे। तो यहाँ की कंडीशन जहाँ तक देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है और ईंट पत्थर बने, इसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो अभी पूरी तरह से इसमें दबे नहीं हैं, उसके चलते कई सारे ऐसे दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर कोई बाइक से जा रहा है तो वो भी स्लिप कर जा रहा है और हाँ पैर पड़ जाता है तो गिट्टी धस जा रही है। ये कंडीशन बनी है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। उसके बाद आप सामने आ गए जहाँ पे रोड कंप्लीट है। यहाँ तो पूरा चमचमाती रोड नज़र आ रही है थोड़ी दूर तक, उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ी दूर पे पत्थर पड़े मिलेंगे, मतलब पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो आगे चल रहे हैं रानीगंज की तरफ, दिखाएंगे कि क्या कंडीशन है इस रोड। तो कुछ दूर तक रोड की ये झमझमाहट आप देख सकते हैं, पूरी रौनक है, लेकिन कुछ ही दूरी पे जाके देखेंगे तो जैसे कंडीशन वैसे ही है। बस उसी दूरी पे आ चुके हैं, दिखाते हैं जहाँ पे एक पुल बन रहा है और उसके चलते यहाँ पे भी रोड अभी खराब है। तो जैसा कि सामने देख सकते हैं यहाँ फिर वही दुर्दशा नज़र आएगी जैसे पीछे आपको दिखाया था। तो अभी कुछ दूरी तक ऐसे ही फिर पत्थर और रोड़े पड़े मिलेंगे रोड पे, जो पूरी तरह अभी दबे नहीं है, जो सड़क पे हैं, काम चल रहा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं डोमाडी गांव के करीब, जहाँ पे एक नाला हुआ होता है और उसी नाले पे बन रहा है एक बड़ा सा पुल, जिसके चलते रोड को अलग ही रास्ता दे दिया गया है, वो आपको दिखाते हैं। और तो ये सामने डोमाडी का पुल है बन रहा है, जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और इसका जो दूसरा रास्ता है आप देख सकते हैं दाहिने ओर से नीचे से डाल के बनाया गया है पत्थर को। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो बड़ा सा पुल बनने वाला है, ये इसका ढांचा है, इसका सांचा है और यहाँ पे मिट्टी का ढेर है। और यहाँ पे कुछ ही दिनों में पुल नज़र आएगा और नहर को पतला रूप दे दिया गया है। इससे ऊपर चले आएंगे हम, आगे का जो रास्ता है फिर डामर वाला मिलने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। वन साइडेड कंप्लीट है, वन साइडेड पेंडिंग है। एक बार फिर से चमकते रोड पे आ गए हैं रानीगंज के। और यहाँ पे डग्गा मार वाहन आप देख सकते हैं, बिना इंजन के हैं। और ये देखिए आगे डामर रोड मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ख़राब है। ये अभी करेक्ट हम डोमाडी गांव में हैं, ये डोमाडी गांव है और यहाँ भी थोड़ा सा पतला सा पुल बन रहा है जो गांव के पानी का निकास होगा। इससे सावधान, कार्य प्रगति पे है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। फिर से अगेन हम आ गए चमचमाती रोड पे और झमझमाती रोड पे। और ये अयोध्या के लिए स्पेशल रोड, जो आने वाले समय में यहाँ पे एक अलग ही हलचल होगी रोड पे और अलग ही नज़ारा होगा। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, आगे भी देखते हैं क्या कंडीशन है रानीगंज रोड की, अयोध्या स्पेशल रोड का। दोस्तों फिर से एक बार आ चुके हैं चमचमाते रोड से गमगमाते रोड पे और यहाँ पे फिर भी पुल, आगे देख सकते हैं पुल का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। फिर से यहाँ पे रोड ख़राब है और यहाँ पे बोर्ड लगा है कंस्ट्रक्शन का। और ये देखिए यहाँ पे भी बजड़ी पत्थर पड़े हैं, इसको पूरी तरह से अभी दबा के रखा नहीं गया। यहाँ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी भी ख़राब हो गई रोड की कंडीशन की वजह से। और यहाँ आप देख सकते हैं पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो पुराना पुल था उसको तोड़ मरोड़ के नए पुल के रूप में बदला जा रहा है। ये तो अंकल लोग लगे हैं काम में, फटाफट कर रहे हैं। और कुछ ही दूर पे फिर से वही हेमा मालिनी जैसा चमचमाता रोड नजर आएगा, फिर उस पर चलेंगे, फिर आगे का हिस्सा देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से फिर से नया रूप, नया चमचमाता रोड और झमझमाता रोड। उपाध्याय परिवार शुद्ध शाकाहारी गुरुजी भोजनालय, कभी भी आइए पूरी सब्जी जरूर खाइए। और आगे आप देख सकते हैं सामने पंडित रामवीर उपाध्याय इंटर कॉलेज, जिसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो गई क्योंकि रोड के बनते इसकी बाउंड्री तोड़ दी गई, फिर से बन रहा है। और अभी आगे हम सामने फिर से वही नज़ारा दिखाने वाले हैं कि रोड आगे ख़राब है, आधे रास्ते में बना है, यहाँ पे बोर्ड लगा है इधर से जाना मना है।
तो अभी हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं और बस 100 मीटर के डिस्टेंस के आगे फिर से रोड की वही हालत, वही खराब हालत मिलेगी आपको। जैसा कि आप एक बार फिर से पहुंच चुके हैं उसी बजड़ी वाले रोड पे, पत्थर वाले रोड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको पत्थर को दबाने के लिए यहाँ पे रोलर से इसको प्रेस करके दबाया जा रहा है, और प्रेशर मशीनें बड़ी तगड़ी मशीन होती है, और आगे भी कई सारी मशीनें हैं जो वन साइड रोड को कंप्लीट करने में लगी हैं। और ये पत्थर हमें लगता है रानीगंज तक ऐसे ही है, रानीगंज चौराहा क्रॉस करने के बाद तक ऐसी है, क्योंकि उसके आगे ही ऐसा कुछ दिखेगा जो सही रोड दिखेगी। यहाँ पे कुछ कंडीशन ज़्यादा ख़राब, इतने बड़े बड़े रोडे पड़े हैं जिससे ऑटो वाले के पूरे लगे पड़े हैं। और दादाजी वहाँ देखो घास छील रहे हैं। जयराम दादा, चलो ठीक है भैया, आगे आगे फिर से ये देख सकते कंडीशन। और यहाँ पे ये एक मशीन खड़ी, क्या बोलते यार इसको, ये हाइड्रा मशीन है जिसके पास बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स हैं जिससे वो अपना इसका सड़क का काम करते हैं। रानीगंज करीब आ रहा है, शुरुआती हो चुकी है रानीगंज चौराहे की, और रानीगंज का आप देख सकते क्षेत्र, आप देख सकते हैं सड़क के चौड़ीकरण के चलते लोगों के घर भी तोड़े जा चुके हैं, क्योंकि वो भी सारे इस रोड के अंडर में आ रहे थे। और यहाँ पे भी एक छोटे से पुल का ही निर्माण चल रहा है, इसलिए रोड़ी बजड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और ये सामने फिर से वही पुराना रोड रानीगंज का, जिसका एक छोटा सा सैंपल आप देख सकते हैं। ये सबसे पुरानी रोड है, आने वाले समय में आप देख नहीं पाएंगे, ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट मोमेंट होगा। इस पुरानी सड़क को देख लीजिए, पहचान लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई और चल रहा होगा, नई सड़क का निर्माण हो चुका होगा। तो यहाँ पे चौराहे का शुरुआती हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घर जितने भी नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट या राइट दोनों साइड सब टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं, और रोड के अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्लाई ओवर का जो डाउन होगा, सामने आप फ्लाई ओवर देख सकते हैं जो बनता आ रहा है, यहाँ के डाउन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी स्लोप बनाया जा रहा है फ्लाई ओवर का। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से ही चल सकते हैं, क्योंकि वन साइड से ही रोड बनाया गया है आने जाने के लिए। तो रानीगंज का दृश्य आप देख लीजिए, अभी ऐसा दिख रहा है, आने वाले समय में कैसा होगा वो भी दिखाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, और अभी आगे पहुंच के दिखाते हैं कहां पे क्या काम हो चुका है रानीगंज में सड़क निर्माण का। अयोध्या के लिए स्पेशल बन रहा 4 लेन हाईवे, ये अंदर से देख सकते हैं बड़े बड़े पिल्लर हैं जिसके सहारे इसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ेंगी और लोग चलेंगे। ये रानीगंज के अभी डस्ट भी है, धूल मिट्टी है, अभी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसके बनने के चलते, लेकिन आने वाले समय में यहाँ का जलवा ही कुछ अलग होगा। और ये चारों दोनों साइड आप देख सकते हैं सामने के जो हिस्से थे, इस सड़क निर्माण को PNC कंपनी चला रही द्वारा काम किया जा रहा है। ये मेन चौक है, सामने वारिसगंज रोड, सामने अयोध्या रोड, इस साइड शुक्ल बाजार रोड, श्री राम जानकी मंदिर, और ये चाट की दुकान, ये एक पुराना अड्डा है। और सामने जाएंगे तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर जो पिल्लर है उसके ऊपर प्रॉपर लेंटर डाल दिया गया है सड़क, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामान दिखाई पड़े मिलेंगे जो सड़क निर्माण में लगे हैं, चल रहे हैं। और सामने आप बाग देख रहे हैं, ये रानीगंज का नया सब्जी मंडी है, और सामने भी थोड़ा सा कीचड़ भी है क्योंकि ऊपर बनने के चलते पानी भी गिरता है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी भी हैं। तो अभी रानीगंज का जो चौराहा मार्केट है वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हुए दिखा रहे हैं जो समाप्त होगा। तो अभी आगे आ चुके हैं, यहाँ पे भी वन साइडेड रोड है, यहाँ फ्लाई ओवर का स्लोप डाउन किया जाएगा, पीछे के हिस्से में दिखाया जो सेंटर में ऊंचाई पे होगा। एक बार फिर से देखते रहिए,
तो यहाँ पे फ्लाई ओवर का स्लोप डाउन कर दिया गया है। ये पीछे आप देख लीजिए, आने वाले समय का एक अलग ही नज़रिया। महावीर प्रसाद आइडियल चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल भी है यहाँ पे। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं पुराने रोड की एक नई झलक, पुराने रोड की नई झलक कि आने वाले समय में बदलता दिखाई देगा ये रोड का नज़ारा। रानीगंज का आप पेट्रोल पंप देख सकते हैं, ये रानीगंज के जस्ट एंडिंग पार्ट पे है जो आगे अयोध्या की तरफ है। और एक बार फिर से वही झमझमाती चमचमाती झलझलाती रोड का नज़ारा, जिसपे बच्चे बड़ी शौक से बड़ी खुशी से अपनी साइकिल को दौड़ाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है छोटू? विनय प्रकाश भाई। ऐसे ही बच्चे अपनी मौज मस्ती में सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सड़क का एक अलग ही नज़ारा है जो हम देख पा रहे हैं। ऐसे नज़ारे में थोड़ा दुख होता है, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चुनाव का बूथ है। ये कौन सा गांव है? ये प्रेमगढ़ गांव के पास का आप बूथ देख रहे हैं। और हाँ, अभी कुछ कह रहे थे, कहीं से कहीं पे थोड़ा दुख होता है, कहीं पे खुशी मिलती है। क्यों का समापन हुआ, फिर से वही पुरानी पत्थर रोड़ी पत्थर वाली सड़कें। और ये गांव आप देख सकते हैं अली नगर गांव है। और यहाँ पे भी छोटी मोटी दुकानें हैं। एक ये बिल्डिंग देख सकते हैं कैसे इसका तिकोना बना दिया गया, तिकोना हो गई ये रोड सड़क के चलते। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे लास्ट, क्योंकि ये अली नगर गांव है और इसके आगे से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के रिकमेंडेशन से हमने आपको रानीगंज के स्पेशल अयोध्या रोड का नज़ारा दिखाया, यहाँ की हालत कंडीशन सिचुएशन सब चीज़ें दिखाई। अब आप लोगों को सपोर्ट करना, फटाफट कमेंट करते रहिए, नए वीडियो के रिकमेंडेशन करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।